हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया उदयपुर शहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के साथ साथ पूरे संभाग भर में पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके लिए कटारिया ने अपना प्रचार रथ भी बनवाया है। इस रथ पर सवार होकर निकलने से पहले कटारिया ने आज उदयपुर के पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और साफ किया कि भले ही पार्टी ने उदयपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से उनको टिकट दिया है, लेकिन यह चुनाव कार्यकर्ताओं का है और कार्यकर्ता ही उन्हें जिता सकते हैं। इसलिए अब कार्यकर्ताओं के भरोसे वह मेवाड़ की 28 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता ही उदयपुर में पार्टी का प्रचार करेंगे। हालांकि इस दौरान कटारिया थोड़े से भावुक नजर आए। कटारिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 5 साल से कार्यालय में जाने अनजाने में अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वह क्षमा करे और पार्टी को जिताने का काम करे। स्वाभाविक है 5 साल में मुझसे कई जाने अनजाने गलतियां हुई होगी। कई बार मैं ऐसा आवेश में गुस्से में कुछ बोल देता हूँ, आदमी को लगता है यार ये मेरा अपमान हो गया और मैं उनसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। मैं किसी का अपमान कहता अपमान करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूँ। मन में जो कष्ट होता है, मन में जो दुख होता है कि जिस पार्टी के लिए हम सब लोगों ने अपनी जवानियाँ झोंकी है, वो देश निर्माण के लिए झोंकी है, किसी नेता की चाकरी करने के लिए हम मजदूर नहीं हैं। न तो आप मेरे गुलाब चंद कटारिया के मजदूर हो और न मैं किसी बड़े नेता का मजदूर हूँ। हम सब एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं और वो मिशन है भारत मेरा दुनिया का सिरमौर कैसे बने। लोकतंत्र के माध्यम से जो गरीब से गरीब है, जिसको हम सबसे अंतिम छोर पर पाते हैं, दरिद्र नारायण की हम सेवा कैसे कर सकें, और गरीब को गणेश मान करके हमने इस देश की राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं सोचता हूँ कि ये जो अंत्योदय योजना के बारे में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने है ना एक तरह से अंत्योदय योजना का प्रारंभ करके हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये समझाने का प्रयास किया है कि वास्तव में अगर देश है तो एक मनुष्य के रूप में है। अगर मनुष्य का कोई भी अंग कमजोर होता है तो वो सारा मनुष्य कमजोर होता है। एकात्म मानववाद का अर्थ यही है कि कोई अंगूठे में भी अगर दर्द होता है तो उसका एहसास इस माथे को होना चाहिए। अर्थात समाज में कहीं अभाव है, कहीं कमी है, कहीं कष्ट है तो उस कष्ट का अनुभव देश के सब लोगों को होना चाहिए। ये है एकात्म भाव। और मैं सोचता हूँ इस साधना के लिए जिस ढंग से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने आप को खपाया, न तो वो MLA बने, न वो MP बने, न प्रधानमंत्री बने, न मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके बाद भी आज हमारे दिलों में राज करता है। वो इसलिए करता है कि सब कुछ दे गया लेकिन देश को खड़ा कर गया एक राजनीतिक दृष्टि से, इसलिए उसका इतना सम्मान है। हम सब कार्यकर्ता भी इसी लाइन में लगे हुए हैं, अपने कुछ जीवन के कुछ क्षणों को, कुछ समय को देकर के कि भावुकता में आकर किसी कार्यकर्ता को कुछ कह दिया हो, लेकिन इसके पीछे उनका मकसद केवल पार्टी को आगे लाना था, न कि किसी कार्यकर्ताओं की भावना को ठेस पहुंचाना। इस दौरान कटारिया ने कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर भी माफी मांगी और कहा कि वो किसी के अपमान के लिए पैदा नहीं हुए, उनके लिए सभी कार्यकर्ता सम्मानीय है। इसलिए उदयपुर शहर विधानसभा सीट के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी का प्रचार प्रसार करना होगा। उदयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।